आज उस वक्त किसान मोर्चे की तरफ से जो एएमपी को जाम करने की कॉल है, बड़ी संख्या में लोग बड़े अलग अलग जगह से लोग यहाँ पे इकट्ठा हो रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे साथ में, इतनी ज्यादा तेज गर्मी पड़ रही, धूप पड़ रही है, लेकिन जो जनता है वो फिर भी यहाँ पे आई हुई है। आज ये हमारा तीसरा केएमपी बंद है, पहले दो बार कर चुके हैं, आज तीसरी बार है, और इसका प्रमुख उद्देश्य है केंद्र की सरकार पर आर्थिक चोट मारना, इकोनॉमिक चोट मारना। जो ये टैक्स इकट्ठा कर रहे हैं केएमपी के माध्यम से, टोल टैक्स के माध्यम से, हमारा प्रोग्राम आज ये चलेगा, हमारी जो कमेटी है 40 सदस्यों की, वो फैसला लेगी, तमाम हिंदुस्तान के टोल टैक्स बंद करेंगे, इससे सरकार की सीधी चोट, आर्थिक चोट पहुंचेगी। इसके साथ ही एक और बात भी जोड़ने जा रहे हैं हम आंदोलन में कि हिंदुस्तान के तमाम एमएलए एमपी इन सब की तनख्वाह भत्ते सब बंद की जाए, इससे करोड़ों रुपए की बचत होगी। किसानों की जो लूट हो रही है नेगेटिव सब्सिडी के नाम से, जो आज अरबों रुपए की लूट कर चुकी है ये सरकारें, चाहे मनमोहन की सरकार है, चाहे आज की सरकार है, चाहे मोदी की सरकार, चाहे आगे भी कोई सरकार इस तरह की आएगी पूंजीपतियों की, तो यही काम करेगी। देखिए, मैं किसान हूं और मेरा कोई शौक नहीं है कि मैं अभी केएमपी को जाम करूं। हम दुखी होकर सरकार के जो कान है उन तक आवाज पहुंचाना चाहते हैं, कि सरकार को हम बताना चाहते हैं कि दिल्ली में किसान बैठा है, आंदोलन चल रहा है, इसलिए बार बार केएमपी को जाम करना और भी कई एक्शन लेना, जैसे भारत बंद है, इस प्रकार के जो एक्शन है ये इसीलिए होते हैं कि सरकार को पता लग सके कि किसान अभी भी सड़कों पर है, किसान की बात सुनो, किसान के मसले का हल करो। सरकार की सेहत पर तो कोई असर पड़ नहीं रहा। असर तो तभी पड़ेगा ना जब हम उस पर लगातार दबाव बनाओगे। हम दबाव बना रहे हैं और मैं पूर्ण तौर से आपको कहना चाहता हूँ, दावे के साथ ये बात कहना चाहता हूँ कि आने वाले समय में पूरे भारत से इस सरकार का बाइकाट होगा, और इतना बड़ा बाइकाट होगा कि आप देखते रह जाओगे। आनंद शर्मा, वाइस प्रेसिडेंट सीटू हरियाणा। आज जो केंद्र सरकार ने डीएपी का जो कट्टा है 1200 रुपए से 1900 रुपए किया है, ये निश्चित तौर पर किसानों का जो आंदोलन है, इस आंदोलन से ध्यान भटकाने के लिए और ये दिखाने के लिए कि कितना बड़ा आंदोलन किसान मजदूर देश में खड़ा करें, मोदी की जो भाजपा सरकार है वो इसे डरने वाली नहीं है, और एक से एक हमले वो किसानों पे, देश की जनता पे, मजदूरों पे कर रही है। अकेले खाद के दाम नहीं बढ़ाए हैं, जहां किसानों के तीन काले कानून खेती में लाए गए हैं खेती को हड़पने के लिए, इसकी आड़ में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को आम आदमी के पेट से रोटी छीनने की तैयारी की है। वहीं कारपोरेट जगत के पक्ष में 44 श्रम कानूनों को मजदूरों के खिलाफ बनाया है, 12 घंटे की ड्यूटी की है, फिक्स्ड टर्म अपॉइंटमेंट सिस्टम लागू किया है। वहीं आप देखोगे न्यू शिक्षा नीति लागू की जा रही है, और यही न्यू ट्रांसपोर्ट बिल लाया जा रहा है, इन व्हीकलों की उम्र तय की जा रही है, पशुओं को हाथे में तोड़ने के हाथे थे, अब ये जो मशीन करी है, और खेती के बाद दूसरा ट्रांसपोर्ट का रोजगार का साधन था, आज इस ट्रांसपोर्ट पे भी एक कंपनी का कब्जा करने की तैयारी सरकार कर रही है। इसी के बीच बिजली बिल 2020 ले रही है, एक के बाद एक हमला केंद्र की भाजपा सरकार कर रही है, और आंदोलन लगातार बढ़ रहा है, और ये आंदोलन इस भाजपा सरकार की कब्र खोदने का काम करेगा। हर तरीके के एजेंडे बनाएंगे, वो हर कोशिश करेंगे, अपने आईटी सेल भेजेंगे, जो यहाँ पे दंगा भड़काने के लिए कुछ ना कुछ करेंगे, क्योंकि एनआरसी मूवमेंट में हम लोगों ने देखा बहुत शांतिमय प्रदर्शन था, संविधान की बात हो रही थी, झंडे उनके हाथों में थे, भारत के झंडे उनके हाथों में थे, फिर भी वो क्या करते हैं, वो बहुत दंगे हैं, हालांकि वो कत्लेआम होता है। तो यहाँ पे भी लोग अपने अपने झंडों को लेकर यहाँ पे बैठे हैं और बात कर रहे हैं अपने हकों की,
तो सरकार इसको फेल करने के लिए, सरकार अपनी तानाह चलाने के लिए सरकार कुछ भी कर सकती है। इसीलिए हर एक इंसान को सतर्क रहने की जरूरत है और लड़ने की जरूरत है। हम लोग बहुत टाइम से सब्र से बैठे हैं, लेकिन अगर सरकार आगे से कुछ करती है तो हम लोग जरूर आगे से सतर्क रहेंगे। मैं यही बताना चाहता हूँ कि सरकार एक निर्दयी सरकार बन चुकी है, उसके अंदर कोई भी होश नहीं है, ना हमदर्द है किसी की किसान के प्रति। सो यही रीजन कुछ है कि आज हम दिल्ली के बड़ोहे यहाँ पर 4 से 6 महीने हो गए हैं, लेकिन एक बार भी हमारे लिए कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है जो हमारे लिए कोई बढ़िया से बढ़िया पानी के लिए इंतजाम किया जाए, लेटरिन बाथरूम वगैरह बनाया जाए, यहाँ तक जो सीवेज वाली पाइप था उसको भी उन्होंने सफाई नहीं करवाया। हमारे लिए इससे ज़्यादा और दुर्गति क्या हो सकता है, जो लोगों की आवाज़ नहीं सुन रहा है सरकार। और ये कहना चाहता हूँ, मोदी सरकार 5.5 लाख करोड़ रुपए अंबानी अडानी के माफ किया गया, लेकिन वही सरकार मोदी सरकार किसानों के 1 चौवन्नी 1 पैसे नहीं आज तक किसी ने माफ किया। सो जो देश को बचाता है उसके लिए इतना ज्यादा दुख नहीं कर रहे हैं। हमारा लड़ाई एक तरफ देश बेचने वाले सी है और हम देश बचाने वाले हैं।